दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं IITs, NITs की रैंकिंग के बारे में और जो टॉप 25 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं इंडिया उनकी रैंकिंग के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रणदीप, आप देख रहे हैं स्टार टेक्निकल। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हम IITs की बात कर लेते हैं कि जो 23 IITs हैं उनकी रैंकिंग क्या है। जो रैंकिंग क्राइटेरिया है वो होता है 6 क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे प्लेसमेंट परसेंटेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रांड वैल्यू, प्लेसमेंट पैकेजेस, फैकल्टी और कट ऑफ मार्क्स IITs की क्या जा रही हैं। और यह NIRF नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क की है जो अथॉरिटी है, यह जो किसी भी कॉलेज की जो रैंकिंग होती है उसको रैंक करती है कि यह कौन से रैंक पर आ रहा है। तो हम अब बात करते हैं IITs की रैंकिंग के बारे में। जो पहले नंबर पर IIT आती है वो है IIT बॉम्बे, सिचुएटेड एट महाराष्ट्र, और यह काफ़ी मशहूर भी है यह IIT। जैसे सबसे पहले जो भी कोटा में या सीकर की बात करें, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं दिल्ली में, वो उनमें सबसे पहले IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, खड़गपुर, इन्हीं को प्रेफर किया जाता है। और IIT बॉम्बे को सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है क्योंकि वहाँ पर जो प्लेसमेंट पैकेजेस हैं वो टॉप के प्लेसमेंट पैकेजेस हैं। जैसे कई पैकेजेस 1.5 करोड़ या 1 करोड़ से काफ़ी ऊपर भी पैकेजेस उनको मिले हैं कुछ रेयर केसेस में। वैसे अच्छे पैकेजेस मिल जाते हैं IIT बॉम्बे में भी। और उसके बाद सेकंड रैंक पर आती है IIT दिल्ली, थर्ड पर IIT मद्रास, फोर्थ पर IIT कानपुर, फिफ्थ पर IIT खड़गपुर एट वेस्ट बंगाल, सिक्स पर IIT रुड़की है, और सेवन्थ पर IIT गुवाहाटी, एट पर IIT हैदराबाद एट तेलंगाना, और नाइन्थ है IIT वाराणसी एट उत्तर प्रदेश, और टेंथ है IIT गांधीनगर एट गुजरात, इलेवेंथ है IIT इंदौर मध्य प्रदेश। ये जो पहली 10 या 11 IITs हैं इनको अच्छी IITs माना जाता है और ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसी को प्रेफर करते हैं। जो इसके बाद की IITs हैं वो इतनी प्रेफर नहीं की जाती हैं क्योंकि वहाँ पर जो प्लेसमेंट्स हैं उनका भी प्रॉब्लम आती है, जैसे अच्छे प्लेसमेंट्स नहीं होते हैं। वैसे कई बार हो भी जाते हैं और कई बार नहीं भी होते हैं। मीन्स जो फर्स्ट 11 IITs हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, उसके बाद कुछ NITs हैं उनको प्रेफर किया जाता है। वो जो लिस्ट आएगी टॉप 25 की उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन सी IITs और NITs को सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। उसके बाद 12th पर आती है IIT रोपड़ एट पंजाब, 13th IIT भुवनेश्वर उड़ीसा, IIT मंडी 14th पर आती है हिमाचल प्रदेश में, 15th पर आती है IIT जोधपुर एट राजस्थान, 16th पर आती है IIT पटना एट बिहार, 17th है इंडियन स्कूल ऑफ माइंस एट धनबाद, इसको भी IIT कहा जाता है। उसके बाद 18th पर आती है IIT तिरुपति एट आंध्र प्रदेश, 19th पर आती है IIT पलकड़ एट केरला, 20th IIT गोवा, 21st IIT धरवाद एट कर्नाटका, 22 पर IIT भिलाई एट छत्तीसगढ़, 23rd पर IIT जम्मू एट जम्मू एंड कश्मीर। फ्रेंड्स अब बारी आती है NITs की रैंकिंग की। जैसे 31 टोटल NITs हैं, तो 1 to 31 तक सभी NITs को रैंक किया गया है NIRF के द्वारा, और यह डिटेल आपको बता देते हैं। जैसे फर्स्ट जो NIT है वो जैसे प्लेसमेंट पैकेजेस या जो 6 क्राइटेरिया आपको हमने पहले बताए थे, जैसे प्लेसमेंट पैकेजेस, फैकल्टी, कट ऑफ, ऐसे इन क्राइटेरियाज पर ही NITs को भी रैंक किया जाता है। फर्स्ट पर आती है IIT ट्रिची एट तमिलनाडु, सेकंड IIT सूरतकल एट कर्नाटका, थर्ड IIT रेंगल एट तेलंगाना, फोर्थ है मोतीलाल नेहरू NIT इलाहाबाद एट उत्तर प्रदेश, फिफ्थ पर है NIT कैलिकट एट केरला, सिक्स पर है NIT नागपुर एट महाराष्ट्र, सेवन्थ NIT राउरकेला एट उड़ीसा, एट्थ पर है NIT जयपुर एट राजस्थान, NIT दिल्ली, नाइन्थ पर है और 10th पर है IIT सूरत एट गुजरात, 11th पर है NIT भोपाल एट मध्य प्रदेश, 12th NIT कुरुक्षेत्र हरियाणा, 13th NIT गोवा, 14th NIT दुर्गापुर एट वेस्ट बंगाल, 15th है NIT जलंधर एट पंजाब, 16th पर है NIT जमशेदपुर झारखंड। ये जो फर्स्ट 15-16 NITs हैं इनको अच्छा माना जाता है। और अगर NIT में जैसे मेन के बेसिस पर एडमिशन होता है और अगर स्टूडेंट्स NIT में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये फर्स्ट जो 14-15 या 16 NITs हैं इनको प्रेफर किया जाता है। इसके बाद की NITs को इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता क्योंकि इनमें से कुछ तो अभी रिसेंट में अनाउंस हुई हैं और मीन्स प्लेसमेंट पैकेजेस का भी डिफरेंस काफ़ी आ जाता है, तो इस कारण से इनको इतना ज़्यादा जो 17 से 31 है इनका इतना ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दी जाती है इनको।
और 17th पर आती है एनआईटी पुडुचेरी, 18th पर आती है एनआईटी हमीरपुर, 19th पर है एनआईटी रायपुर, 20th पर है एनआईटी आंध्र प्रदेश, 21st एनआईटी पटना एट बिहार, 22nd एनआईटी उत्तराखंड, एनआईटी सिलचर 23rd पर, 24th पर एनआईटी अगरतरा और 25th पर एनआईटी श्रीनगर एट जम्मू एंड कश्मीर, 26th एनआईटी मेघालय, 27th एनआईटी अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद 28th पर एनआईटी सिक्किम, 29th पर नागालैंड, 30th पर मणिपुर और 31st पर है एनआईटी मिजोरम। बात करते हैं टॉप 25 इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऑफ इंडिया कि कौन कौन से टॉप एनआईटीज और एनआईटीज को मिला के, यानी कि कौन से रैंकिंग पर इंडिया में कौन सी रैंकिंग पर आ रहा है। पहले हमने बात की आईआईटीज और एनआईटीज की रैंकिंग की, अब ओवरऑल बात की जा रही है कि पूरे इंडिया में टॉप 25 इंजीनियरिंग कॉलेजेस कौन से हैं। तो फर्स्ट पर माना जाता है आईआईटी बॉम्बे को, सेकंड पर आईआईटी मद्रास को, थर्ड पर आईआईटी खड़गपुर, फोर्थ आईआईटी दिल्ली, फिफ्थ आईआईटी कानपुर, सिक्स्थ आईआईटी रुड़की, सेवन्थ आईआईटी गुवाहाटी, सेवन तो आईआईटीज ही आ गई फर्स्ट सेवन पर, और एट्थ पर है अन्ना यूनिवर्सिटी सिचुएटेड एट चेन्नई, नाइन्थ पर है जोधपुर यूनिवर्सिटी सिचुएटेड एट कोलकाता, उसके बाद टेंथ आईआईटी हैदराबाद, इलेवंथ एनआईटी ट्रिची और ट्वेल्थ पर है एनआईटी राउरकेला, थर्टीन्थ पर है वीआईटी वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसका अलग से भी टेस्ट होता है, फोर्टीन्थ पर है इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, फिफ्टीन्थ पर है आईआईटी इंदौर, सिक्सटीन्थ पर है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बिट्स पिलानी का इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स जो बिट्स इंस्टीट्यूट है पिलानी में सिचुएटेड है, यह इंस्टीट्यूट है, इसका भी एक जैसे जेडब्ल्यू एडवांस की तरह इसका भी एक टेस्ट होता है और उसके बेसिस पर इसमें एडमिशन हमें मिलता है। और 17th पर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिचुएटेड एट शिवपुर, 18th आईआईटी भुवनेश्वर, 19th आईआईटी पटना, 20th जामिया मिलिया इस्लामिया और 21st पर है आईआईटी रोपर एट पंजाब, 22nd पर है एनआईटी सूरतकल, 23rd पर है स्कूल ऑफ माइंस, ये भी एक आईआईटी है, इसको आईआईटी का दर्जा दिया गया है, और 24th पर है कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, 25th पर है शैनमुगा आर्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च एकेडमी एट तमिलनाडु। फ्रेंड्स ऐसे की और वीडियोस को देखने के लिए नीचे दिए गए लाल बटन से हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि आपके फ्रेंड्स का भी फायदा हो सके, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें क्योंकि ऐसे की और वीडियोस हम आपको लाते रहते हैं। और अगर आपके कोई सुझाव है या कोई क्वेरी है तो उसको कमेंट सेक्शन में लिख दें और हम आपको उसका जवाब आंसर दे देंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।